मेडिकल संस्थानों को केंद्र सरकार का निर्देश जारी हुआ है। अब संस्थान को 6 घंटे में FIR दर्ज करनी होगी। डॉक्टरों पर हिंसा की FIR अब 6 घंटे में दर्ज करानी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टरों पर हिंसा की FIR को अब 6 घंटे में दर्ज कराना होगा। मेडिकल संस्थानों को केंद्र सरकार ने अब ये निर्देश दे दिया है। डॉक्टरों पर हिंसा की FIR में देरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। मेडिकल संस्थानों को अब केंद्र सरकार का ये निर्देश जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता कमलेश। कमलेश, अब संस्थान को 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। बड़ा निर्देश केंद्र सरकार का मेडिकल संस्थानों को, और क्या ताजा अपडेट है आपके पास पूरी खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से मेडिकल संस्थानों के डॉक्टर्स और वहाँ के नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पे है, उसको लेकर लगातार जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी सेफगार्ड की बहाली होनी चाहिए, उसके बाद आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा गाइडलाइंस जारी किया और कहा कि अगर भी कोई भी हिंसा डॉक्टर्स के खिलाफ या स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ प्रमाइसिस में होता है, यानी अस्पताल प्रमाइसिस में होता है, तो उनके लिए सीधे रिस्पॉन्सिबल वहां के हेड होंगे और 6 घंटे के अंदर उनको FIR दर्ज करानी होगी किसी प्रकार की हिंसा के खिलाफ। जाहिर सी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और कह सकते हैं कि आप जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के सेफगार्ड के लिए बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। लेकिन अब देखना होगा जो आंदोलन कर जो डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है, क्या वो केंद्र सरकार की इस पहल से सहमत होते हैं और अपने जो हड़ताल है कल से जो बीमारी हड़ताल करने की उन्होंने घोषणा की, क्या वो उसको वापस लेते हैं? नहीं, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने बड़ा इनिशिएटिव उठाया है डॉक्टर्स के सेफगार्ड्स के लिए। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला। और कमलेश, पूरे देश में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी, उनके प्रोटेक्शन को लेकर जो नियम है वो और ज्यादा सख्त बनाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार इसी बात की डिमांड को लेकर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और केंद्र सरकार इसके खिलाफ एक गाइडलाइंस जारी करे। लिहाजा केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है, यानी कोई भी स्वास्थ्यकर्मी अगर हॉस्पिटल प्रमाइसिस में कोई खिलाफ कोई अत्याचार होता है या कोई उनके साथ मारपीट की घटना होती है तो उसके लिए सीधे हेड को रिस्पॉन्सिबल कहा जाएगा और कहा गया है कि आप 6 घंटे के अंदर उनके उस मामले में FIR दर्ज करें ताकि पुलिस त्वरित एक्शन लिया जा सके। देखा गया था कि जो कोलकाता में घटना घटी थी तकरीबन 12 घंटे के बाद FIR दर्ज कराया गया, जिससे कहीं न कहीं ये डॉक्टर्स काफी आंदोलन आहत थे। लिहाजा केंद्र सरकार का यह फैसला और ये निर्देश कहीं न कहीं जो सेफगार्ड्स है उसको लेकर बड़ा कदम कह सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या रेजिडेंट डॉक्टर सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले से खुश होते हैं, सहमत होते हैं और अपनी जो स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ करते हैं या नहीं। बिल्कुल कमलेश, कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद पूरे केस में लापरवाही बढ़ती गई, उसको लेकर भी पूरे देश में इस वक्त छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की मांगे लगातार सामने आ रही थी। जी बिल्कुल, ये डिमांड आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात के बाद भी डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने की थी कि उनकी सेफगार्ड की बहाली हो और सरकार ने आज काफी सोच विचार कर ये फैसला किया है और ये निर्देश सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को दिए गए। हालांकि ये जो निर्देश है केंद्र सरकार ने उन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को दिए है जो केंद्र सरकार के सीधे अधीन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस निर्देश के बाद एक ये आप कह सकते हैं कि एक आदर्श बनेगा और सभी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट राज्य सरकार के अंदर भी आते हैं उनको भी इस तरह का निर्देश जारी करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी घटना इस तरह की घटती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हेड्स होंगे और 6 घंटे के अंदर उनका FIR दर्ज करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद या निर्देश के बाद राज्य सरकार के अधीन जो इंस्टीट्यूट्स है वो भी एक्टिव हों और उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।